ओ क्लास, आप सबका स्वागत है मेरी इस क्लास में। आप सबको हम लेकर चलते हैं फिजिक्स की क्लास में, जो कि आपके पास 10वीं कक्षा है आपकी, ठीक है। 10th क्लास है, आप फिजिक्स में चल रहे हैं। आज 10वीं क्लास में फिजिक्स कब से आ गया, तो बच्चों ये विज्ञान है, फिजिक्स आ गया, ठीक है। और आप लोग जो है अब तक तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं, तीन अनुभाग का अध्ययन कर चुके हैं, चौथे अनुभाग में आ चुके हैं आप, 13.4 में आ चुके हैं, जिसका नाम है विद्युत मोटर, ठीक है ना। इसका क्या नाम है बच्चों? विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर नाम है इसका, ठीक है ना। विद्युत मोटर नाम है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर नाम है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक मोटर क्या क्या प्रयोग है, कैसे क्या है, ये सब सारी कुछ देखने वाले हम लोग, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो भाई विद्युत मोटर क्या है? यह एक ऐसा घूर्णन युक्ति है, यह एक ऐसा घूर्णन युक्ति है, घूर्णन युक्ति है जो, ठीक है, यह एक ऐसा घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है बच्चों, परिवर्तित करता है। ओके, क्या ये बात समझ में आई आपको? यह एक ऐसा घूर्णन युक्ति है, घूमने वाला युक्ति है, घूमने वाला एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। दिस इज अ रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यह एक घूर्णन युक्ति है, ठीक है ना। दिस इज अ रोटेटिंग मशीन, ये एक घूमने वाली मशीन है, विच चेंजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई विद्युत ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक, जो भाई जो विद्युत, ठीक है ना बच्चों, ये जो है आपका ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है ना भाई। ये विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करता है। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई? जो विद्युत धारा से संबंध रखता है तो वो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है ना। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? जो गति से संबंध रखता है, ठीक है ना, जो गति से संबंध रखता है, समझ आई क्या बात? जिसका विद्युत से संबंध होता है, मतलब कि जिसका धारा से संबंध होता है, धारा के प्रवाह के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और उसके सहायता से फिर हम लोग बच्चों यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब कि इस ऊर्जा का प्रयोग करके किसी वस्तु को हम लोग घुमा देंगे, गति करा देंगे, समझ आ रही बात? समझो, छोटे छोटे भाषाओं में समझो, ठीक है ना। तो दिस इज अ रोटेटिंग मशीन व्हिच चेंजेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, समझ में आ गई क्या बात है? बिल्कुल ठीक है, ओके भाई साहब, ठीक है। इस युक्ति का प्रयोग, इस युक्ति का इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, इस युक्ति का प्रयोग विद्युत पंखा, ठीक है, विद्युत पंखों कॉमा भाई विद्युत पंखों में करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग, ठीक है, वॉशिंग मशीन में करते हैं बच्चों, वॉशिंग मशीन में भी करते हैं इसका प्रयोग भाई। आपको पता है विद्युत पंखा, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत पंखा घूमता ही तो है भाई। पंखा का क्या काम है? घूमना, घूमेगा तो हम घूमेंगे, मतलब हवा लगेगा तो हम लोग घूमना शुरू कर देंगे, समझ गए ना भाई। वॉशिंग मशीन क्या है भाई? ये वॉशिंग मशीन घूमता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता है तो आपके कपड़े धुलते हैं, सर्फ में मिल जाते हैं, तो है ना, समझ रहे हो, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा कंप्यूटर भी हो गया भाई। भाई कंप्यूटर भी जो है हमारा बच्चों, कंप्यूटर ये भी हमारे इसी पर काम करते हैं, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके जो है
वह चलती है, ठीक है ना, चलती है भाई। तो ये सारे जो बच्चों युक्ति हैं वो हमारे इसी विद्युत मोटर पे काम करते हैं। यह युक्ति का प्रयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर आदि में करते हैं, आदि में करते हैं, ठीक है, या फिर होता है, का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ आए क्या बात है? बिल्कुल आ गई, लिख लो आप, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, अभी लिखना मत, हम बिल्कुल पूरा एकदम एक साथ आपको समझा देते हैं, अंतिम में हम आपको टाइम देते हैं बोर्ड्स का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ले लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए, है ना, तो स्क्रीन वाला शॉट लिया कीजिए, ठीक है ना, चलिए आ जाइए, है ना। अभी हम लोग जो है वो आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों कि ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है ना, सिद्धांत लिखने वाले हैं। आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि सिद्धांत बताओ, विद्युत मोटर का सिद्धांत बताओ, तो सिद्धांत क्या वो देखना बच्चों, देखिएगा देखिएगा, देखना 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 भाई, देखना तुम, एक आयताकार कुंडली। सिद्धांत का मतलब भाई किस प्रिंसिपल पे, मतलब इसका जो है ना भाई किस बात पे कार्य करता है, ठीक है ना, इसका जो है वह भाई क्या है ये, मतलब क्या काम करके देगा मुझे, ठीक है ना, या क्या काम करता है, दैट इज सिद्धांत भाई, क्या काम करता है ये, ठीक है ना, क्या काम करता है, ठीक है, क्या करता है, देखना। एक आयताकार कुंडली जब, ठीक है, दो ध्रुवों, ठीक है ना, दो ध्रुव भाई ऐसा वाला ध्रुव, ठीक है, दो ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र, दो ध्रुवों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ठीक है, धारा प्रवाह कराई जाती है, ठीक है, धारा प्रवाह कराई जाती है, ठीक है, जाती है, ओके, सही हो, तब यह आयताकार कुंडली पर बल कार्यरत होने के कारण, ठीक है, के कारण, ठीक है, यह घूर्णन गति करता है, ठीक है, यह इसका सिद्धांत है, ऐसे काम करता है ना, इस बात पे काम करता है ये, समझ में आई क्या बात, इस बात पे काम करता है, ठीक है, समझ में आई क्या बात। एक आयताकार कुंडली जब दो ध्रुवों के मध्य चुंबक क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाह कराई जाती है, ठीक है, तब यह आयताकार कुंडली पर क्या हो जाता है, ठीक है, लंबवत बल कार्यरत होने के कारण, कुंडली पर लंबवत बल, ठीक है ना, कुंडली पर भाई लंबवत, कुंडली का जो लंबाई है उसके लंबवत, ठीक है, कुंडली पर लंबवत बल कार्यरत होने के कारण यह घूर्णन गति करता है, यह इसकी सिद्धांत है, ठीक है। अब आ जाओ भाई इसका, ठीक है ना, इसका विद्युत मोटर का रचना एवं कार्यविधि भाई, इसका रचना कैसे करेंगे, इसका निर्माण कैसे होगा, ठीक है ना भाई, इसको सिद्धांत को बच्चों लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल, ओके, ये प्रिंसिपल। और बच्चों हम लोग इस विद्युत मोटर का रचना एवं कार्यविधि, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्किंग एंड प्रिंसिपल, ठीक है ना, वर्किंग क्या है इसका, ठीक है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड
कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, कौन से वाला मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, विद्युत मोटर का रचना एवं कार्य विधि। अब ये देखने वाले हैं बच्चों कैसे इसका रचना होता है, कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं हम लोग कैसे होता है, देखते हैं। देखो एक एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली, एक आयताकार कुंडली एबीसीडी, एबीसीडी को, ठीक है, दो ध्रुवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय, ठीक है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं भाई, ठीक है, एक आयताकार कुंडली एबीसीडी को दो ध्रुवों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। इस कुंडली की, इस कुंडली की, इस कुंडली की, ठीक है, ए बी एवं सी डी भुजा, सी डी भुजा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, लंबवत होती है। बात समझ जा, समझते जाओ, फिर हम लोग बिल्कुल अंतिम में हम लोग बिल्कुल सारी बातों को इकट्ठा करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ए बी एवं सी डी भुजा चुंबक के क्षेत्र के लंबवत होती है, इस कुंडली की ए बी एवं सी डी भुजा चुंबक के क्षेत्र के लंबवत होती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, ओके। इस कुंडली का ए सिरा एवं एवं डी सिरा, ठीक है, दो विभक्त वले, ठीक है, दो विभक्त वले, ठीक है, पी एवं क्यू, पी एवं क्यू से जुड़े होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं, ठीक है बच्चों, पी एवं क्यू से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, विभक्त वलय पी एवं क्यू से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है बच्चों, आगे देखो, ठीक है, जुड़े होते हैं। यह दो विभक्त वले, यह दो विभक्त वले वले विद्युत विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है, विद्युत रोधी होते हैं। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ताकि मैं कुछ मिटाऊं इसमें से, देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, फिर मैं ऊपर के लाइनों को और आपके सिद्धांत को मैं मिटाऊं, ठीक है ना, जल्दी से फटाफट ले लो, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, क्या मैं मिटाऊं इसको, चलो मिटाता हूं,
देखिए बच्चों, ठीक है, यह दो विभक्त वलय जो हैं, विभक्त, ओहो हो नहीं, ये हो गई विभक्त, विभक्त वलय विद्युतरोधी होते हैं तथा तथा यह ठीक है धुरी, तथा यह धुरी, ठीक है धुरी से जुड़े होते हैं, धुरी से जुड़े होते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो भाई, अब देखो, ठीक है ना बच्चों, धुरी किसे जुड़े होते हैं, धुरी से, ठीक है ना, धुरी से जुड़े होते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इस विभक्त वलय के ऊपर, इस विभक्त वलय के ऊपर दो कार्बन ब्रश, ठीक है बच्चों, दो कार्बन ब्रश एक्स एवं वाई, ठीक है एक्स एवं वाई संपर्क में होते हैं, ठीक है ये दोनों क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं बच्चों, कोई दिक्कत। इन दो ब्रश एक्स एवं वाई से, एक्स एवं वाई से, ठीक है एक्स एवं वाई से बाहरी स्रोत के बैटरी, ठीक है जुड़े होते हैं, बैटरी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है स्रोत के क्या होते हैं, बैटरी जुड़े होते हैं। ओके इन दो ब्रश एक्स एवं वाई से, ठीक है इन दो ब्रशों, ठीक है ना ब्रशों, ठीक है ब्रशों है ना, एक्स एवं वाई से बाहरी स्रोत के बैटरी जुड़े होते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो बैटरी से धारा, बैटरी से धारा ठीक है बैटरी से धारा एक्स एवं पी विभक्त वलय से होते हुए, विभक्त वलय से होते हुए ए बी सी डी, ठीक है ए बी सी डी की दिशा में धारा प्रवाह होता है, ठीक है एबीसीडी की दिशा में धारा प्रवाह होता है, ठीक है डी की सिरे से होते हुए धारा क्यू एवं वाई, ठीक है क्यू एवं वाई है ना, बैटरी से धारा एक्स एवं पी विभक्त वलय, भाई सिरे से होते हुए धारा क्यू एवं वाई ब्रश से होते हुए ठीक है बैटरी पर आ जाता है, कोई दिक्कत।
नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आ जाता है। ओके, अब जो हम लोग फिगर बना लेते हैं फिर ये सारी बातें और भी समझ में आएंगी, ठीक है ना। चलो, क्या मैं इस नीचे वाले को मिटा दूं? बोलो, इस नीचे वाले को मिटा देता हूं। चलो भाई, देखो देखना बच्चों, ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है। इसमें मैंने एक आयताकार कुंडली लिया, ठीक है। एक कैसा कुंडली लिया भाई साहब? एक हमने आयताकार कुंडली लिया, ठीक है। एक भाई साहब हमने कैसा कुंडली लिया है? आयताकार कुंडली, ठीक है। इसमें हमने एक धुरी ले लिया, ठीक है बच्चों। एक हमने धुरी ले लिया, ठीक है। ये धुरी ले लिया, इसको इस तरीके से दिखा देना, ठीक है। एक धुरी ले लिया, ओके। इस धुरी पर हमने बच्चों दो विभक्त वलय दिखाए, ठीक है। दो विभक्त वलय दिखाए हम लोग, ओके। इस विभक्त वलय से हमने बच्चों इस पर तार जोड़ दिया, इससे हमने एक ब्रश जोड़ दिया भाई साहब, ठीक है। ये हमने दो ब्रश जोड़ दिए, ठीक है। दो ब्रश जोड़ दिया हमने, इन दो ब्रशों को परिपथ से जोड़ दिया, धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरा, कुंजी लगा दिया भाई साहब एक हमने, ये कुंजी लगा दिया, ठीक है। देख लो क्या मस्त फिगर है ना भाई। ये बैटरी है, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, बोलो है ना। ये कुंजी के, बोलो है ना, कोई दिक्कत? ये भाई, ये जो है तुम्हारा, देखो ये जो है तुम्हारा और ये जो है तुम्हारा, ठीक है ना। ये दोनों क्या है तुम्हारे? ये दोनों क्या है भाई? पी एवं क्यू विभक्त वाले ही है, विभक्त वलय है, बोलो है ना। यस, ये क्या है तुम्हारा भाई? ये एक्स ब्रश है, एक्स ब्रश है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा भाई? वाई ब्रश है तुम्हारा, ठीक है। वाई ब्रश है, ठीक है। ये बैटरी हो गई तुम्हारी, बोलो है ना। कुंजी अगर बंद परिपथ में, धारा यहां से निकलेंगी, बोलो। यहां से होते हुए, इस हर से होते हुए ये क्या हो गया तुम्हारा? ए बी सी और डी, ये भाई आयताकार कुंडली हो गया तुम्हारा। इधर से धारा जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, बोला ना। फिर इधर से होते हुए, इधर से होते हुए बैटरी में वापस आ जाएगी, बोलो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मस्त फिगर बना हुआ है विद्युत मोटर का। ये तुम्हारा क्या है? विद्युत मोटर है, देख लो। ये भाई तुम्हारा क्या है? विद्युत मोटर है। ये क्या है भाई साहब? धुरी है तुम्हारा, बोलो आया ना। ये क्या तुम्हारा? धुरी है, बोलो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये तुम्हारा क्या है? ध्रुव है भाई। ये क्या है तुम्हारा? ध्रुव है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। चलो अब देखो भाई, चुंबक क्षेत्र किधर से किधर होते हैं आपको पता है? चुंबकीय क्षेत्र भाई साहब किधर से किधर होता है? देखो किधर से किधर होता है चुंबकीय क्षेत्र बताओ? नॉर्थ से साउथ की ओर। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, नहीं होता है? ये क्या है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र? बी है, ये बी है तुम्हारा, बोलो हाँ या ना। तो तुम मुझे बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र के ये ए बी भुजा और सी डी भुजा कैसे हैं? अभी लंबवत हैं, अरे हाई या नहीं है बोलो। इसमें क्या प्रभाव है तुम्हारा? धारा। ये क्या है तुम्हारा? धारा। ये क्या है तुम्हारा? धारा। ये क्या है? धारा भाई, ये क्या है? धारा, बोलो हाँ या ना। तो ये ए बी भुजा बच्चों और जो सी डी भुजा है वो चुंबक क्षेत्र के कैसे हैं? अभी लंबवत। अरे बोलो हाँ या नहीं है, देख लो तुम, ऐसा जो तुमने लिखा है। अरे भाई तुम ऐसे ही तो लिखे हो, ठीक है ना, ऐसे ही तो लिखे हो। देखो दूरी से जुड़े होते हैं, इस विभक्त वलय के ऊपर दो कारण बरस एक्स एवं वाई संपर्क में होते हैं, विभक्त वलय के ऊपर में होते हैं, संपर्क में होते हैं। इन दो बरसों एक्स एवं वाई से बाहरी स्रोत के बैटरी जुड़े होते हैं। बाहरी स्रोत के क्या होते हैं बच्चों? बैटरी, ठीक है। बाहरी स्रोत के विद्युत परिपथ से, बाहरी स्रोत के परिपथ से, ऐसे लिखना, परिपथ से, ठीक है, ये कम से कम लिख देना है ना, परिपथ से, ठीक है, परिपथ से बैटरी जुड़े होते हैं। बैटरी से धारा एक्स एवं वाई वक्त वलय से होते हुए एबीसीडी की दिशा में धारा प्रवाह होता है। बैटरी से धारा एक्स, भाई ये क्या था तुम्हारा? एक्स था। ये क्या तुम्हारा? पी था। ये क्या था तुम्हारा? क्यू था। और ये क्या तुम्हारा? वाई है, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो बैटरी से धारा निकला एक्स एवं पी विभक्त वलय, एक्स एवं पी विभक्त वलय से होते हुए ए बी सी डी की दिशा में धारा प्रवाह होता है। डी की सिरे से होते हुए धारा क्यू एवं बी वाई बरस से होते हुए बैटरी पर आ जाता है, बोलो हाँ या ना भाई। बिल्कुल सही बात है। चलो अब देखो, फिगर समझ में आ गई। अब देखो भुजा, भुजा ए बी में, भुजा ए बी में धारा ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में एवं, ठीक है, सी डी भुजा में धारा, भुजा में धारा, ठीक है, नीचे की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो, क्या है, अब देखो भाई, देखना, समझना, हेलो समझना। यहां ठीक है, यहां ए बी एवं सी डी भुजा में धारा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत, अभिलंबवत प्रवाह हो रहे हैं, अभिलंबवत प्रवाह हो रहे हैं, ठीक है। इस स्थिति में, इस स्थिति में, ठीक है, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, ठीक है, के वाम हस्त नियम द्वारा, ठीक है, वाम हस्त नियम द्वारा, ठीक है, कार्यरत, ठीक है, वामहस्त नियम द्वारा ए बी एवं सी डी भुजा में, है ना, भुजा में धारा, ठीक है, प्रवाह के कारण, ठीक है,
कार्यरत, कार्यरत चुंबकीय, कार्यरत चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय बल को, चुंबकीय बल कार्यरत होता है, चुंबकीय बल कार्यरत होता है, बोलो है ना भाई। यहां ए बी एवं सी डी भुजा में धारा चुंबकीय सदिश के अभिलंबवत प्रवाह हो रहे हैं। चुंबकीय सदिश देखो आगे की ओर, धारा यहां पर ऊपर की ओर, एक दूसरे कैसे हो गए अभिलंबवत, 90 डिग्री का कोण। यहां पर चुंबकीय सदिश आगे, धारा नीचे, तो दोनों भुजाओं में चुंबकीय सदिश के अभिलंबवत प्रवाह हो रहे हैं। इस स्थिति में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा ए बी एवं सी डी भुजा में धारा प्रवाह के कारण कार्यरत चुंबकीय बल भाई, ठीक है ना, के कारण कार्यरत चुंबकीय बल ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात चुंबकीय बल ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात कर सकते हैं भाई, बोलो है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। किधर लाएगा वामा हाथ तुम्हारा, यही है, ये है भाई चुंबकीय सदिश आगे की ओर, धारा कहां जा रहा है देखो एक बार, देखो देखो तुम, धारा सर ऊपर, अरे यही है ना तुम्हारा वाम हस्त, फ्लेमिंग का बायां हाथ यही था ना, तुम्हारा कौन सा है पड़ोसी वाला, ठीक है भाई। चुंबकीय सदिश आगे गया, देख लो एक्स दिशा में चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, मतलब वाई दिशा में तुम्हारा धारा एडी भुजा पर, बोलो तो तुम्हारा अंगूठा किधर जा रहा है अंदर की ओर, दैट मीन्स इस ए बी भुजा पर चुंबकीय बल किधर लग रहे हैं, ए बी भुजा पर कार्यरत बल किधर की ओर है, अंदर की ओर, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अधोमुखी, है ना, अंदर की ओर मतलब अधोमुखी दिशा, ठीक है। तो चलो आप इधर लिखो, इधर लिखो, इसके बाद यहां इधर इधर आ जाना भाई, इधर आ जाना, ठीक है, क्या कि ए बी भुजा पर, ठीक है, फ्लेमिंग 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 के वाम हस्त, ठीक है, वाम हस्त नियम से कार्यरत बल अधोमुखी, अधोमुखी मतलब अंदर, अंदर की ओर, बोलो है ना, अंदर की ओर, एवं एवं सी डी भुजा पर, ठीक है, कार्यरत बल की दिशा, ठीक है, कार्यरत बल की दिशा, ठीक है, बच्चों ये लिखना, कार्यरत बल की दिशा, ठीक है ना, दिशा, ओके, तो एवं सी डी भुजा पर कार्यरत, ठीक है ना, बल की दिशा ज्ञात कर ले पहले। ये देखो चुंबक से आगे गया भाई, धारा किधर, नीचे भाई, धारा एफ बी आई, फर्स्ट बाबा आए धरती पर, है ना, हाँ एफ बी आई, ऊपर से नीचे जाना है ना, एफ बी आई, बोलो। तो भाई साहब ये चुंबक सर एक्स दिशा में, ये वाई एक्सिस का नीचे जाएंगे, तो पकड़ के कर दो टीढ़ा, तो भाई तुम्हारा अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की ओर, यही एफ का दिशा बताता है, एफ बी आई चुंबकीय क्षेत्र, धारा चालक में प्रवाहित धारा, तो चुंबकीय बल या उस चालक पर लगने वाला बल बाहर की ओर, बाहर मतलब ऊपरी मुखी, ठीक है, तो सी डी भुजा पर कार्यरत बल की दिशा ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी, ठीक है, ज्ञात होता है, ज्ञात होता है, ठीक है भाई। ए बी, ठीक है, ए बी भुजा पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से कार्यरत बल की दिशा अधोमुखी, है ना, अधोमुखी अंदर की ओर, एवं सी डी भुजा पर कार्यरत बल की दिशा ऊपरी मुखी ज्ञात होता है, ज्ञात होता है, बोलो है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। देख लो भाई साहब, देख लो देख लो देख लो देख लो, अब भी तुम्हें दिखाता हूं मैं, देख लो भाई साहब, देख लो देख लो, इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारा आयताकार कुंडली था, इस पर बल लग रहा है आगे की ओर और इस पर पीछे की ओर, देख लो भाई, इधर भाई इस वाले भुजा पर, इस वाले भुजा पर ऊपरी मुखी बाहर की ओर,
भाई ऊपरी का मतलब बाहर की ओर और इस पर अधोमुखी मतलब अंदर की ओर, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल समझ आई क्या बात। हाँ ठीक है ना, ऊपरी मुखी का मतलब बाहर की ओर। लिख दू क्या मैं, चलो लिख देता हूं भाई, ऊपरी मुखी मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर है ना भाई, बाहर की ओर बोलो, बाहर की ओर है ना, ज्ञात होता है, ठीक है, ज्ञात होता है, प्राप्त होता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है ना बच्चों। तो देख रहे हो ऐसा अगर लगने लगे तो ये क्या करने लगता है बच्चों, घूर्णन गति शुरू कर देती है, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, ए बी एवं सी डी भुजा पर कार्यरत बल के, कार्यरत ठीक है, कार्यरत बल ठीक है, भुजा पर कार्यरत बल के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप स्वरूप आयताकार कुंडली ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ठीक है, घूर्णन गति प्रारंभ कर देता है ठीक है, कर देता है भाई। अब देखो आधे घूर्णन में भाई आधा घूम गया, ये देखना समझना बात को भाई, ये था ये, अब भाई आधा पूरा घूमने का मतलब क्या है, पूरा एक वृत्त पर घूम जाना भाई, मैं यहां था फिर से इधर आ गया तो ये पूरा घूमा, बोलो है ना पक्का, लेकिन मैं घूम करके और ऐसे ठहर जाऊं तो ये आधा घूमा, अरे देखो मैंने आधा घूमा है देख लिया, और मैं फिर से इधर घूम के इधर आ गया तो ये आधा और घूम गया ठीक है ना। हाँ तो भाई साहब ऐसा ही है, इस पर बल लगा तो आधा कैसे घूमेगा, ये वाला भुजा उस साइड और इधर वाला भुजा इस साइड, ये देखो, ओहो आदमी मस्त सो रहा है, तुम भी सो मत जाना भाई, ओ लो लो मस्त सो जाना भाई है ना, अरे लौटो सो रहा है कौन देखो ठीक है, ये वाला भुजा इधर आ जाएगा और इधर वाला भुजा इधर चला जाएगा, समझ आई क्या बात। हाँ बिल्कुल, देखो दैट मीन्स ए बी जो है घूम करके सी डी की जगह चला जाएगा और सी डी घूम करके ए बी की जगह आ जाएगा, बोलो ये पूरा पलट जाएगा भाई, दैट मीन्स क्यू वाला जो वलय है वो इस साइड आ जाएगा और पी वाला उस साइड चला जाएगा भाई, या नहीं है। तो आधे घूर्णन में ठीक है भाई, ए बी एवं सी डी भुजा पर कार्यरत बल के परिणाम स्वरूप आयताकार कुंडली चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन गति प्रारंभ कर देता है भाई, घूर्णन गति प्रारंभ कर देता है, ओके ठीक है, अर्थात किसी घूर्णन अक्ष पर ठीक है, आयताकार कुंडली ठीक है, धुरी के साथ घूमती है एक लाइन बच्चों ये भी लिख देना, ठीक है ना अर्थात किसी स्वतंत्र घूर्णन अक्ष पर, ठीक है ना, किसी स्वतंत्र घूर्णन अक्ष मतलब बच्चों एक अक्ष ऐसा है जो कि स्वतंत्र रूप से घूम सकता है ना। हाँ ठीक है, समझ आई क्या बात, ये एक अक्ष है जिस पर ये घूम सकता है ना, ये एक अक्ष है जिस पर ये क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक है ना, इस अक्ष पर, तो अर्थात किसी स्वतंत्र घूर्णन अक्ष पर, ठीक है, आयताकार कुंडली धुरी के साथ घूमती है, ठीक है ना। हाँ
एक गुरु नाक से बचो जिस पर ये घूम रही है ना, गुरु नाक पर क्या हो रही है, घूम रही है ना, तो ये स्वतंत्र गुरु नाक पर स्वतंत्र है, वो घूमने के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र गुरु नाक पर आयताकार कुंडली धूरी के साथ घूमती है। समझ आएगी बात? हाँ बिल्कुल। अब देखो, अब देखो आधे घूर्णन में, ठीक है ना, आधे घूर्णन में, ठीक है, आधे घूर्णन में क्यू, आधे घूर्णन में क्यू विभक्त वले, क्यू विभक्त वले, ठीक है, पी ब्रश के साथ साथ, ठीक है, संपर्क संपर्क, ठीक है ना, संपर्क में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तथा तथा क्यू विभक्त वाले, ठीक है भाई, क्यू विभक्त वाले पी ब्रश के साथ संपर्क में आ जाते हैं। पी कौन सा था भाई, पी थोड़ी था भाई, एक्स था ना, हाँ एक्स भाई साहब, क्यू विभक्त वाले एक्स ब्रश के साथ संपर्क में आ जाते हैं, तथा, ठीक है ना, पी, तथा पी विभक्त वाले, विभक्त वाले, ठीक है, वाई ब्रश के साथ संपर्क में आ जाते हैं। बोलो है ना, संपर्क में आ जाते हैं, आ जाते हैं, बोलो है ना, बिल्कुल भाई, फटाफट इसको भी जो है तुम नोट कर लो, नोट कर लो भाई साहब, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए आप फटाफट। बोलो कर लिए क्या, कर लिए मैं मिटाऊं, मिटा दूं क्या मैं भाई, चलो मिटा देता हूं। अब देखो मिटा देते हैं, समझ में सब कुछ आ रही होगी, ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे तुम करते जाओ, बाद बाकी चीजें जो निकाल ली है वो निकालते जाओ, ठीक है ना, सब कुछ समझा दिया मैंने आपको, मैं जो निकालना है वो निकालते जाओ, ठीक है, जो निकालना है आपको उसको निकालते जाओ, चलो आ जाओ। अब देखो संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, इस स्थिति, इस स्थिति के कारण, ठीक है, इस स्थिति के कारण, इस स्थिति के कारण, इस स्थिति के कारण भाई, ऐसे स्थिति के कारण, ठीक है, ए बी, ए बी के स्थान पर, स्थान पर सी डी भुजा, सी डी भुजा एवं सी डी के स्थान पर, सी डी के स्थान पर ए बी भुजा, ठीक है, ए बी भुजा, ठीक है, ए बी भुजा आ जाती है, ए बी भुजा आ जाती है, ए बी भुजा क्या करती है, आ जाती है, ठीक है, ए बी भुजा आ जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण, जिसके कारण अब, जिसके कारण अब बैटरी, बैटरी से धारा, ठीक है, धारा एक्स ब्रश से, एक्स ब्रश से होते हुए, एक्स ब्रश से होते हुए अब क्यू आ चुका है, से होते हुए क्यू विभक्त, क्यू विभक्त वलय पर पहुंचता है, वलय पर पहुंचता है, वलय पर पहुंचता है, तथा 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 अब यह, ठीक है, अब यह सीडी भुजा में
ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ठीक है, तथा ए बी भुजा में नीचे की ओर, नीचे की ओर ठीक है, नीचे की ओर प्रवाह करते हुए ठीक है, करते हुए ठीक है, पी विभक्त वलय, पी विभक्त वलय, भाई आपका जो वलय है पी वाला वो अब इधर पहुंच चुका है ठीक है ना, करते हुए पी विभक्त वलय एवं, एवं भाई ये वाय, एवं वाय ब्रश से बैटरी, बैटरी पर पहुंचता है, बैटरी पर पहुंचता है, बैटरी पर पहुंचता है, बोलो आयना, बैटरी पर पहुंचता है, अब धारा बोलो पहुंचता है बच्चों, अर्थात अर्थात धारा, अर्थात धारा ठीक है, कहे तो डी सी भाई बी ए, अर्थात धारा डी सी बी, डी सी बी ए के अनुदिश प्रवाह होता है, के अनुदिश प्रवाह होता है, अनुदिश प्रवाह होता है, प्रवाह होता है, और इस कारण अब धारा प्रारंभ के उत्क्रमित हो जाता है ठीक है, क्या हो गया है, उत्क्रमित हो गया है, बोलिए यहां है ना, यहां धारा के उत्क्रमित में दिक परिवर्तक कार्य करता है ठीक है, यहां धारा के उत्क्रमित होने में दिक परिवर्तक कार्यरत होता है, भाई भाई अगर हुआ है तो वो किसके कारण हुआ है, दिक परिवर्तक के कारण ठीक है, अर्थात ठीक है ना, अर्थात ठीक है, अर्थात विभक्त वलय ठीक है, विभक्त वलय दिक परिवर्तक की तरह कार्य करते हैं जो परिपथ में धारा उत्क्रमित होने में सहायता करते हैं, उत्क्रमित होने में सहायक होते हैं ठीक है, सहायक होते हैं, समझ आ गई ये बातें, बोलो कोई तकलीफ नहीं, तो अब भाई तुम्हारा यहां ए की जगह क्या आ चुका है, डी वाला भुजा, बी की जगह कौन आ चुका है, सी वाला, और सी की जगह कौन जा चुका है, ए वाला, और डी की जगह कौन जा चुका है, बी वाला, बोलो, तो अब तुम्हारे डीसी वाले भुजा है बच्चों, धारा ऊपर जा रहा है और ए बी वाले में नीचे जा रहा है, बोलो है ना, होगा, तो बच्चों अब डीसी वाले भुजा पर जो आपका बल है वो किधर लगेगा, अधोमुखी अंदर की ओर, और ए बी पर अब कैसा लगेगा, ए बी पर ऊपरी मुखी, बोलो है ना, फिर से ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होंगे, फिर से ये कुंडली घूमेगा, बोलो है ना, चलो आगे बढ़ो, परिपथ में धारा ठीक है, धारा उत्क्रमित होने के कारण ठीक है, भाई डीसी ठीक है ना, डीसी भुजा पर बल ठीक है, डीसी भुजा पर बल, अब बच्चों यहां आ जाओ, भुजा पर बल ठीक है, अधोमुखी एवं ए बी
एवं एबी भुजा पर बल, ठीक है, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी, ठीक है, कार्यरत होता है, कार्यरत होता है, जिसके कारण, जिसके कारण, ठीक है, यह आयताकार कुंडली, यह आयताकार धारा प्रवाही कुंडली, आयताकार धारा प्रवाही कुंडली, ठीक है, कुंडली एक और आधा घूर्णन ठीक है तय करता है, ठीक है। समझ आई क्या बात? आधा घूर्णन क्या कर लेता है? फिर से ये तय कर लेगा। बोलो हाँ या ना भाई, आधा घूर्णन क्या कर लेगा? ये फिर से तय कर लेगा, बोलो, है ना भाई, फिर से ये आधा घूर्णन तय कर लेगा। समझ आए ना बातें? बिल्कुल भाई। अब तुम्हारा सीडी जो है वो इधर आ चुका है और ए भी तुम्हारा इधर जा चुका है, तो दैट मीन्स अब इस दोनों भुजाओं पर फिर से विपरीत बल लगने लगे, तो फिर से ये पलटेगा, बोलो चलेगा, आधा घूर्णन फिर से तय करेगा ये, बोलो। अर्थात है ना, आयताकार कुंडली ठीक है, में प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात, ठीक है, धारा उत्क्रमित होते हैं और इस प्रकार कार्यरत बल, ठीक है, कार्यरत घूर्णन बल, ठीक है भाई। अर्थात आयताकार कुंडली में प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात धारा उत्क्रमित होते हैं और कार्यरत घूर्णन बल के कारण, और इस प्रकार कार्यरत घूर्णन बल के कारण ठीक है, आधे घूर्णन तय करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए ठीक है ना, इसलिए ओके, यह युक्ति घूर्णन युक्ति कहलाती है, जिसमें विद्युत धारावाही कुंडली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इस पे कौन कौन काम करता है ये हमने आपको बता ही दिया, इसलिए यह युक्ति घूर्णन युक्ति कहलाती है, और जिससे विद्युत धारावाही कुंडली लंबवत चुंबक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? बोलो भाई, महाकाल की जय, ठीक है, बोलो भोलेनाथ की जय, भाई सियावर रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, रावण महाकाल की जय, ठीक है ना। चलो भाई, मजा आया, चलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, यहां तक तुम्हारी टॉपिक खत्म ही हो चुकी है भाई साहब, बोलो
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो मैं स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाता हूं। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने ही वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिए क्या? मैं मिटा दूं इसे? चलो मिटा देता हूं। चलो भाई मिटा देता हूं। आ गया क्या समझ में? विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है? देख लिए क्या? अरे बच्चों देख लिए क्या तुम? बोलो बोलो बोलो, देख लिए क्या विद्युत मोटर कैसे काम करता है? बोलो, विद्युत मोटर का काम दिख गया क्या? बोलो 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 बोलो, दिख गया क्या? तुम लोग विद्युत मोटर का कार्य देख लिए क्या? हाँ सर देख लिए। चलो देखो, अब देखो भाई, व्यावसायिक व्यावसायिक मोटर, ठीक है, व्यावसायिक मोटर में निम्न परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन किए जाते हैं बच्चों, निम्न परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है, क्या किए जाते हैं वो देखो। निम्न परिवर्तन किए जाते हैं व्यवसायिक, व्यवसाय वाला मोटर, व्यवसाय का मतलब जो प्रयोग में लिए जाते हैं, जो व्यापार के तौर में प्रयोग जो लिए जाते हैं बच्चों, उसमें देखो देखो व्यवसायिक मोटर में निम्न परिवर्तन किए जाते हैं, ठीक है, निम्न आवश्यकताएं होती है, क्या क्या पाया देखो बच्चों, क्या कि यहां अस्थाई अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई चुंबक, आप जानते हैं अस्थाई चुंबक क्या होता है? नहीं जानते हैं? मतलब बच्चों ऐसे चुंबक जिसमें मतलब ऐसे चुंबक जिसमें हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय गुण उत्पन्न रहेंगे, ऐसे चुंबक क्या कहलाते हैं? अस्थाई चुंबक। ऐसे चुंबक जिसमें हमेशा, जैसे स्टील, बच्चों अगर स्टील में तुमने चुंबकीय गुण उत्पन्न कर दिया तो वो फिर दोबारा कभी चुंबक के गुण खोता ही नहीं है, समझ आई क्या बात? हाँ, तो अस्थाई चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। उसके बाद बच्चों दूसरा क्या कि भाई आयताकार कुंडली में, ठीक है, आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या ठीक है बढ़ाई जाती है, अर्थात ठीक है, फेरों की संख्या ठीक है अधिक रखी जाती है, ठीक है, अधिक रखना चाहेंगे वह, है ना, एक से अधिक 10, 20, 50 टर्न लगाना चाहेंगे, ठीक है। और तीसरा है बच्चों, ठीक है ना, तीसरा क्या आपका, दूसरा देख लिया आपने, तीसरा क्या है देखो कि भाई आपके पास क्या है ये देखो, क्या कि भाई आयताकार फेरों की संख्या तुमने बढ़ा दिया, अर्थात फेरों की संख्या जो है अधिक रखी जाती है, ठीक है ना, अस्थायी चुंबक के स्थान पर क्या रखे जाते हैं? विद्युत चुंबक के प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, विद्युत चुंबक, समझा दिया मैंने विद्युत चुंबक क्या होता है, बोलो आए ना? बिल्कुल। अब आ जाओ भाई तीसरे पॉइंट में, क्या वो देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट्स की क्या कि भैया आयताकार कुंडली को, है ना,
आयताकार कुंडली को नर्म लोहे पर फेरा लगाया जाता है, लगाया जाता है, नर्म लोहे पर फेरा लगाया जाता है, जिससे ठीक है मोटर की विद्युत शक्ति बढ़ जाती है ठीक है, विद्युत शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों, विद्युत शक्ति बढ़ जाती है ओके। और भाई कुंडली एवं नर्म लोहे का क्रोड, नर्म लोहे का क्रोड एक साथ आर्मेचर कहलाता है, एक साथ बच्चों क्या कहलाता है, आर्मेचर कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, आर्मेचर कहलाता है, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से मैंने तुम्हें विद्युत मोटर का जो टॉपिक है बच्चों वो खूब अच्छे से मैंने फिनिश करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मजा आया, अच्छा लगा पढ़ के, समझ में आई सब कुछ, उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक है ना, समझ में आया होगा, बोलो आया ना पक्का। चलो अब इसको मिटा दिया जाए, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं भाई, मिटा देते हैं इसे। चलो देख लो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट इसको लिख लो, ले लो ठीक है। व्यावसायिक मोटर मैंने बता दिया, व्यवसाय के तौर पे ठीक है ना, व्यवसाय बिजनेस के तौर पे जो हम लोग मोटर यूज करते हैं व्यापार करने के लिए ठीक है। चलो मिटा दिया जाए, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो बच्चों अब हम लोग पहुंचते हैं 13.5 ठीक है 13.5 पर, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण ओके। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझिएगा, इसको समझ में आए तो मुझे बिल्कुल बताइएगा है ना। चलो देखिए बच्चों क्या ये देखिए भाई, एक लाइन तो एकदम लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तब यह एक लंबवत ठीक है अधिकतम प्रभावी ठीक है बल अनुभव करता है ठीक है ना। बच्चों किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए ठीक है
हाँ चलो, चुंबक क्षेत्र के लंबवत इसके क्षेत्र में रखा जाए, चुंबक क्षेत्र के लंबवत इसके क्षेत्र में रखा जाए तब यह एक लंबवत अधिकतम प्रभावी बल अनुभव करता है। बल कैसे होंगे? लंबवत होंगे। प्रभाव कैसा होगा? अधिकतम होगा। समझ आए क्या बात? हाँ भाई, ये जो बल होंगे वो बल कैसे होंगे? लंबवत होगा, अधिकतम प्रभावी होगा। किसके लंबवत होंगे भाई? विद्युत धारा आवाही चालक, ठीक है, यह एक ठीक है लंबवत अधिकतम प्रभावी बल अनुभव करता है। किसके भाई लंबवत होंगे? विद्युत धारा वाह के, विद्युत का धारा जिस भी दिशा में चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। अरे बोलो, नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब देखो सुनो भाई, 1831 सन भाई, सन 1831 ईस्वी में, 31 ईस्वी में माइकल फैराडे ने यह ज्ञात, ठीक है, यह ज्ञात या प्राप्त किया, ठीक है, कि यदि किसी कुंडली को, ठीक है, यदि किसी कुंडली को चुंबकीय ठीक है क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है, ये बात उन्होंने प्रतिपादित किया, ठीक है भाई। माइकल फैराडे ने ये बात कह डाला कि अगर आप किसी कुंडली को, ठीक है, कुंडली को चुंबक क्षेत्र में गति कराए जाए, किसी कुंडली को चुंबक क्षेत्र में गति कराए जाए तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को उन्होंने क्या कहा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा, ठीक है, क्या कहा बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा। ओके, समझ आई क्या बात? नहीं आई तो दोबारा समझिए, नहीं आई तो दोबारा समझिए क्या, ठीक है, किसी कुंडली को धारा मापी से जोड़ देते हैं, ठीक है, इसके पश्चात यदि किसी चुंबक को इस कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं, ठीक है, या कुंडली
या कुंडली एवं ठीक है चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होता है, मध्य आपेक्षिक गति होता है, आपेक्षिक गति होता है तब तब ठीक है तब कुंडली में, तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं ठीक है ओके आए आपेक्षिक गति होता है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं, यदि यदि कुंडली का परिपथ बंद है, यदि कुंडली का परिपथ क्या है बच्चों बंद है ओके तब तब प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल ठीक है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा ठीक है प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं प्रेरित विद्युत धारा क्या कर देते हैं उत्पन्न करते हैं ठीक है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं ठीक है। चलो तो मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको जो है वह इस दो लाइनों में दे दिया है भाई। ये बात किसने प्राप्त किया, ये बात किसने कहा था 1831 में, किसने कहा था माइकल फैराडे ने कहा था ठीक है। यह प्रतिपादित किया, यह प्राप्त किया कि यदि किसी कुंडली को चुंबक क्षेत्र में गति कराया जाए तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न जाता है, उस घटना को क्या कहा उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा ठीक है। इनको इन शब्दों में कहा कि किसी कुंडली को धारा वापसी से जोड़ देते हैं, इसके पश्चात यदि किसी चुंबक को इस कुंडली के सापेक्ष गति कराते हैं या कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होता है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और यदि कुंडली का परिपथ बंद है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नहीं समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आपको, पक्का नहीं आया होगा, कुछ नहीं आया होगा तो देखो सुनो, सुनोगे तो बताऊंगा। देखो भाई तुम्हारे पास एक करोड़ था, क्या था भाई करोड़ था, उस करोड़ पर बच्चों तुमने क्या कर दिया इस तरीके से कुंडली लपेट दिया, लपेट दिया भाई ठीक है, इससे तुमने क्या जोड़ दिया एक धारा मापी जोड़ दिया ठीक है, जिसका विक्षेप बीच में जीरो होता है, और इसका मान लो एक सुई लगा हुआ है ठीक है, सुई लगा हुआ है और यह सुई प्रारंभ में जीरो पर जीरो क्या है जीरो पर व्यक्त कर रहा है, जीरो को व्यक्त कर रहा है ठीक है। तुम बच्चों क्या किए एक चुंबक लिए, क्या किए एक चुंबक लिए, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल ठीक है, ले लिए देख देखना भाई देखना चित्र नंबर एक ठीक है, ये तुम्हारा क्या है उसी चित्र में ये भी है चुंबक है, ये तुम्हारे पास क्या है बच्चों ये तुम्हारे पास एक कुंडली है ठीक है ना, एक कुंडली है कोई दिक्कत, ये तुम्हारे पास क्या है धारा मापी है, धारा मापी क्या करता है मैंने बताया था, मैं बता दूंगा धारा मापी क्या करता है, बताया था क्या नहीं बताया था ठीक है, मैं बता दूंगा फिर से बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर से बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, देखना ध्यान से क्या सब कुछ तुम्हारे तक पहुंच रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा बच्चों आपेक्षिक गति का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक गति का मतलब भाई हम भी बस में बैठे हुए हैं, तुम भी बस में बैठे हुए हो, बस चल रहा है लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे के अनुसार से चल रहे हैं, नहीं, हम तुम्हारे सामने बैठा है भाई और तुम हमारा सामने बैठा है तो हम दोनों क्या एक दूसरे के अनुसार से चल रहे हैं, नहीं ना, लेकिन बस तो चल रहा है ना, बोलो
तो ये हुआ भाई एक दूसरे के अनुसार से गति। हमारे अनुसार से तुम रुके हुए हो और तुम्हारे अनुसार से हम रुका हुआ है, क्योंकि हम दोनों ना एक दूसरे के अनुसार से कहीं जा ही नहीं रहे हैं। तुम भी निर्जीव और मैं भी निर्जीव, एक ही जगह बैठे पड़े हैं, ठीक है ना? यस। लेकिन हम दोनों व्यक्ति किसी तीसरे के अनुसार से, जो बस के बाहर खड़ा था धरती पर और जो बस को ऐसे ऐसे हाथ डुला रहा था रोकने के लिए, वो क्या बोलेगा हम दोनों को? भाई तुम चल के आए हो, बोलो कहां से आए हो? बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई तुम कहां से आए हो, क्या तुम चल के आए हो? नहीं पूछेंगे ना, क्योंकि हम दोनों साथी है भाई, कहीं ना गया रे, समझे? हाँ। तो आपेक्षिक गति मतलब कि एक दूसरे के अनुसार से गति, ठीक है ना? या तो इसके अनुसार से ये गति करे या फिर इसके अनुसार से ये गति करे। नहीं आया क्या? या तो इस चुंबक को तुम इधर गति करवाओ भी वेग से, या फिर भाई इस चुंबक को स्थिर रख के तुम इस कुंडली को गति करवाओ। तो एक दूसरे के अनुसार से गति होगी या नहीं होगी? भाई ये रुका रहे ये गति करे, चाहे ये रुका रहे ये गति करे, तो दोनों के बीच में आपस में गति होगा या नहीं होगा? किसी ना किसी का होगा। आपेक्षिक गति होना चाहिए, समझ नहीं? आपेक्षिक गति क्या है? एक रुका रहे दूसरा चले, तो मेरे अनुसार से तुम चल रहे हो, या फिर तुम रुके हुए हो मैं चल रहा हूं तो तुम्हारे अनुसार से मैं चल रहा हूं। मतलब आपस में दोनों रुका नहीं रहना चाहिए, आपस में दोनों एक दूसरे के अनुसार से गति करना चाहिए। मुझे तुम चलते हुए दिखे, तुमको मैं चलता हुआ दिखा, ठीक है ना? तो ये हो गई आपेक्षिक गति। लेकिन यदि हम दोनों एक दूसरे के अनुसार से रुके हुए हैं तो हम दोनों स्थिर अवस्था में, मतलब एक दूसरे के अनुसार से। आपेक्षिक गति मतलब है कि किसी के अनुसार से भाई। अरे आया? हाँ, तुम अगर रुके हुए हो तो किसी न किसी के अनुसार से, और चल रहे हो तो किसी न किसी के अनुसार से। समझ में आया? ये है आपेक्षिक गति, किसी की अपेक्षा, किसी के सापेक्ष, किसी के अनुसार से गति। समझ आई क्या बात? हाँ, आ गई ना? हाँ बिल्कुल। तो चलो आ जाओ। अगर ऐसा होता है बच्चों तो देखो, ठीक है, ऐसा होता है तब क्या होता है, ठीक है, देखना, समझना। इधर आओ। देखो ये नॉर्थ पोल है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बोलो हाँ या ना? उत्पन्न करेगा, बोलो करेगा। करेगा भाई, करेगा, ठीक है ना? बच्चों आपको पता है कि ये चुंबक से रेखाएं इधर निकल जाएंगी, ये चुंबक से रेखाएं थोड़ा सा पास करेंगी, ये चुंबक से रेखाएं थोड़ा सा पास करेंगी, ये इधर निकल जाएगा, ये तो बिल्कुल चला जाएगा इधर। बोलो हाँ या ना? लेकिन बच्चों जैसे तुम इस चुंबक को पास लाओगे तो इस कुंडली से संबंध रखने वाला चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगा या नहीं होगा? होगा भाई। इसको तुम पास लाओगे, यहां ले आओगे, तो अब इस कुंडली से ये भी रेखा इसके अंदर आ जाएगा। अब फिर ये यहां से निकलेगा, इधर से ये वाला रेखा बिल्कुल यहां से निकलेगा, तो ये भी संबंध हो जाएगा इस कुंडली से। बोलो है ना? तो अभी इस कुंडली से कितने चुंबक क्षेत्र रेखाएं गुजर रहे हैं? दो। लेकिन जब यह पास आएगा तो कितना गुजरेगा? चार। बोलो हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? हाँ। इस कुंडली को, इस चुंबक को तुम दूर ले जाओ भाई, तो अभी दो गुजर रहा है, दूर ले जाओगे तो पता चला ये बाहर चला गया, तो केवल एक ही जो सीधा आ रहा था वही वाला केवल गुजरेगा। बोलो हाँ या ना? यस। चलो तो भाई इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, और जितना मैंने यहां बताया उतना चीज लिखो, फिर मैं तुमको आगे बताता हूं बहुत कुछ। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं आगे बताऊंगा तुमको। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए, अब मैं आगे बताऊं तुमको। चलो बताता हूं।
देखो भाई, देखो कुंडली एवं चुंबक के मध्य, कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक, समझ आए ना आपेक्षिक का मतलब एक दूसरे के अनुसार से, ठीक है ना, चल रहे हो, रुके ना हो, एक दूसरे के अनुसार से। ऐसा नहीं है कि हम दोनों रुके हुए हैं और हम दोनों को किसी ने बस में डाल दिया तो भाई तीसरा व्यक्ति तो बोलेगा हम दोनों चल रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे के अनुसार से चल रहे हैं? नहीं ना। तो एक दूसरे के अनुसार से गति होना चाहिए, तीसरे के अनुसार से नहीं, ठीक है ना। तो कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होने के कारण, होने के कारण, ठीक है ना, बताओ कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति होने के कारण, ठीक है, कुंडली, कुंडली से संबंध, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, चुंबकीय बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन आता है। क्या आता है बच्चों? परिवर्तन आता है, बोलो हाँ या ना भाई। आपेक्षिक गति होने के कारण कुंडली से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या आती है? परिवर्तन आती है, ठीक है, ओके बच्चों, परिवर्तन आती है, आती है, आ जाती है, बिल्कुल परिवर्तन आती है भाई। ये पास आएगा तो पहले दो गुजर रहा था, अब चार गुजरेगा, दूर भी जाएगा, अगर तुम इसको दूर ले जाओ भाई, दोनों में से किसी को भी गति करा सकते हो, सेम घटना होगा। चुंबक को स्थिर रखो, कुंडली को आगे ले जाओ, इसको ले जाओगे आगे, तब पर भी इसे संबंध रखने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में, संख्या में परिवर्तन आता है, बोलो हाँ ना। परिवर्तन आता है भाई। लेंस भाई साहब, लेंस साहब, किसने साहब भाई? लेंस भाई, लेंस किसने? लेंस ने भाई, लेंस को नहीं लाते हैं, फ्राइडे साहब को ले जाते हैं, ठीक है। संख्या में परिवर्तन आता है, इस स्थिति, इस स्थिति में, ठीक है, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने, माइकल फैराडे ने भाई प्रतिपादित किया कि, ठीक है, प्रतिपादित किया कि, किया कि, ठीक है, किया कि, क्या किए, यदि, यदि, यदि किसी, यदि किसी कुंडली, यदि किसी कुंडली से संबंधित, संबंधित, ठीक है, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है, ठीक है, परिवर्तन आता है, ठीक है, तब, तब यह, तब यह विद्युत वाहक बल, क्या बच्चों? विद्युत वाहक बल, बच्चों विद्युत वाहक बल का मतलब कुछ और नहीं होता है बल्कि ये विभांतर होता है। विद्युत वाहक बल कुछ और नहीं है बच्चों, इसको हम लोग इस तरह से जीटा से दिखाते हैं, और ये कुछ और नहीं है बच्चों जल्कि बल्कि विभव है, ठीक है ना, ये विभांतर है, समझ आई क्या बात? हाँ बच्चों, ये विभांतर है, विभांतर का मतलब विभव का अंतर, है ना, बैटरी का स्रोत, मतलब ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा ये, ठीक है ना। तब यह विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित करता है, प्रेरित का मतलब बच्चों उत्पन्न करता है, प्रेरित का मतलब उस परिपथ में उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, प्रेरित का मतलब था नहीं बल्कि उसमें उत्पन्न कर दिया, उसने पहले से था नहीं, बोलो है ना, ठीक है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक
बल, ठीक है, परिपथ में, परिपथ में, ठीक है, धारा प्रेरित करता है, धारा प्रेरित करता है, ठीक है, यदि प्रेरित करता है, यदि परिपथ बंद है, यदि परिपथ क्या है, बंद है, बोलो है ना, परिपथ बंद है, बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल भाई। फ्राइडे साहब ने कहा था कि विद्युत वाहक बल मतलब विभांतर, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल जो है बच्चों, विभांतर जो है वो समानुपाती होता है किसके बच्चों, चेंज इन फ्लक्स बटा में डीटी के। यहाँ पे फ्लक्स क्या है बच्चों, इसको हम लोग बच्चों यहां बोलते हैं बच्चों, यहाँ फाई, फाई ये हमारा फ्लक्स है, ठीक है ना, ये क्या है, फ्लक्स है। ये फ्लक्स क्या होता है बच्चों, ये होता है समझो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे फाई आर में होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये फ्लक्स है बच्चों, कौन सा फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, कौन से फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है ना, और यह बच्चों चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं रेखाओं की संख्या, ठीक है, को व्यक्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है, ठीक है बच्चों। तो दैट मीन्स डी फाइव बटा में डी टी, डी टी का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने पहले, डी टी का मतलब समय, डी का मतलब समय में परिवर्तन बच्चों, समय में परिवर्तन के साथ साथ अगर फाई में परिवर्तन आए, फाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो समय के साथ अगर फाई में बदलाव आता है, डी का मतलब परिवर्तन, फाई का मतलब चुंबकीय रेखाओं की संख्या, तो डी टी का मतलब समय में परिवर्तन अगर हो, तब फाई में परिवर्तन हो मतलब चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो तो समानुपाती होता है किसके, जीटा के, मतलब जीटा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। यहां पे विद्युत वाहक बल क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो बच्चों विद्युत वाहक बल प्रेरित जीटा समानुपाती होता है किसके, फाई बटा में टी के, मतलब समय के सापेक्ष में अगर फाई में परिवर्तन नहीं आया तो परिवर्तन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, तो जीटा बराबर में कितना आ जाएगा, जीरो, बोलो हाँ है ना, समझ आई क्या बात। ये कब स्थिति होगा, कब होगा, जब तुम्हारा डी फाई और बटा में डी टी का वैल्यू कितना आएगा, जीरो। ये कब आएगा, जब समय के सापेक्ष फाई में कोई परिवर्तन ही नहीं आए। अगर बच्चों समय के सापेक्ष फाई चुंबक से रेखाओं की संख्या में अधिक परिवर्तन हो रहा है तो तुम्हारा जीटा भी अधिक उत्पन्न होगा, बोलो है ना, पक्का। चलो भाई, ये माइकल फैराडे ने कहा था, ठीक है, ये बच्चों तुम्हारे टेंथ क्लास में नहीं, ये चल के तुम ट्वेल्थ में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, बड़ी बात यहीं से तुम्हें पता लगने लगी है, ठीक है ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट लिख दो भाई, ठीक है ना, लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वीडियोस देख लो फिर तुम फटाफट लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से वीडियोस देखने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है पूरा का पूरा, और लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देख लो पहले वीडियोस और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो और अंत में केवल लिखने का काम करो, बोलो है ना भाई। पहले एक फ्लो में समझ लो हर एक चीज, जितना मैं बार में बोर्ड भरता हूं उतना बार मैं तुमको बोलता हूं स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट को रखे रहो, तुम पहले पूरा वीडियोस देख लो और फिर अंत में स्क्रीनशॉट से तुम नोट्स तैयार कर लो, बोलो है ना, बिल्कुल। चलो भाई, चलो 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 चलो, समझ आई बच्चों, समझ में आई क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझ में आया भाई, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण धारा में प्रेरित हो जाना, विद्युत का प्रेरित हो जाना, विद्युत उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तुमने फिगर भी बना लिया होगा, बोलो बना लिए, पक्का, यस। तो बच्चों उस फिगर में तुम ना दिशा नहीं दिखाए धारा का, ठीक है ना, तुम्हारा धारा क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, हाहा है ना, धारा प्रेरित हो जाएगा, बोलो इस तरीके से, ठीक है ना भाई, ये तुम्हारा क्रोड था, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे क्या थे, गैल्वेनोमीटर था, ठीक है ना, और इस तरह से विक्षेप हो रहा था बच्चों, बोलो होगा, हाँ, और यहाँ पर तुम्हारा क्या था, चुंबक था, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इधर से गति कर रही थी, भी इधर गति था, बोलो है ना, भी का वेग इधर था, बोलो कोई दिक्कत, हाँ नहीं होना चाहिए।
तो बच्चों धारा आपका इस दिशा में प्रेरित हो जाएगा, ठीक है ना, धारा इस दिशा में आपका प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चुंबक से जब आपका चुंबक इस दिशा में आएगा तो धारा आपका इस दिशा में प्रेरित हो जाएगा, ठीक है ना, समझ आई क्या बात। कैसे प्रेरित होगा देख लो, चुंबक से रेखाएं यहां से नॉर्थ पोल निकलेंगी, तो चुंबक से रेखाएं यहां से निकलेगा मतलब यहां पर प्रवेश करेगा और यहां से बाहर निकलेगा, बोलो है ना, बाहर निकलेगा। दैट मीन्स बच्चों यह क्या बन गया साउथ पोल और यह क्या बन गया नॉर्थ पोल, बोलो है ना, पक्का बन गया। तो तुम्हारा धारा कैसे होना चाहिए भाई, नॉर्थ पोल ऐसे देख लो, इधर नॉर्थ पोल है बच्चों, तो दैट मीन्स तुम्हारा धारा कैसे होना चाहिए था, इसमें कैसे होना चाहिए था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। लेकिन बच्चों इसमें धारा इसमें क्लॉकवाइज उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉक ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, आगे की हो जाती है, ओके। हाँ, नीचे से इधर से देखो है ना, इधर से ऊपर और इधर नीचे, ठीक है, इधर से ऊपर इधर से नीचे, समझ आई क्या बात। हाँ, तो इधर से ऊपर इधर से नीचे, ठीक है ना, दैट मीन्स बच्चों इधर से नीचे जाएगा, ठीक है ना, नीचे जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये नीचे जाएगा, ठीक है ना, नीचे जाएगा भाई, तुम्हारा नीचे जाएगा मतलब कह दो यहां से नीचे गया है ना, दैट मीन्स बच्चों यहां से धारा तुम्हारा ऊपर गया और यहां से तुम्हारा नीचे गया, ठीक है, यहां से तुम्हारा बच्चों ऊपर गया और यहां से तुम्हारा क्या गया, नीचे गया, ठीक है, यहां से बच्चों तुम्हारा ऊपर गया और यहां से नीचे गया, ठीक है, यहां से तुम्हारा ऊपर गया और यहां से तुम्हारा नीचे गया, ठीक है, यहां से तुम्हारा इधर गया भाई, इधर से तो नीचे जाएगा, दैट मीन्स भाई ऊपर, यहां से ऊपर जाएगा, दैट मीन्स यहां से आएगा, है ना, देखो इधर से ऊपर आया, इधर से होते हुए देखो कैसे दो रहा है भाई, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और फिर ऊपर उठ के इधर से, देखो कैसे दो है, इधर से आ रहा है और इधर से ऊपर उठ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से ऊपर उठ रहा है, देखो कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ आएगा बात। तो तुम्हारा जो धारा है बच्चों वो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है, इस दिशा में हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत इस दिशा में हो जाएगा, है ना, ठीक है ना बच्चों। चलो चलो, तो तुम्हें धारा की दिशा पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस तुम्हें विद्युत चुंबक के प्रेरण किधर होंगे उसको तुम्हें डिस्कस करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है भाई, क्योंकि धारा का दिशा निकालने के लिए बच्चों एक लेंज का नियम हमको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना, लेंज का नियम, ये तुम 12th में चल के पढ़ोगे, लेंज का नियम एक आया था, लेंज ने जो है बच्चों उन्होंने इस प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करना बताया था, ठीक है ना, इस प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करना बताया था, ओके, समझ आई बात, बिल्कुल। तो बच्चों ये पूरा का पूरा तुम देख लो, स्क्रीनशॉट ले और नोट्स और लिख लो, लिख लिए, चलो आ जाओ मिटा दिया जाए इसको, चलो मिटा देते हैं भाई, मिटा देते हैं, है ना, मिटा दिया जाए, चलो देखिए आ जाओ बच्चों, देखो चलो देखो 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 आ जाओ दोबारा से आ जाओ, कंटिन्यू देखो, तुमने देख लिया प्रेरित धारा, देख लिया तुमने विद्युत चुंबक के प्रेरण, देख लिया, चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों यहां यहां चुंबक के स्थान पर, ठीक है, विद्युत धारावाही ठीक है, विद्युत धारावाही परिपथ की कुंडली द्वारा विस्थापित किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है ओके, ऐसा ही किया हमने, ओके, हाँ, एक ही करोड़ एक ही
क्रोड, ठीक है, क्रोड पर दो दो, ठीक है, कुंडलियों, दो कुंडली को, ठीक है, दो कुंडली को लपेटा गया, दो कुंडली को लपेटा गया, ठीक है। प्राथमिक बाय पहली पहली वाली कुंडली को, पहली वाली कुंडली को, कुंडली को प्राथमिक कुंडली, ठीक है, प्राथमिक कुंडली एवं एवं दूसरी वाली कुंडली को, एवं दूसरी वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली, ठीक है, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली कहा गया, ठीक है, द्वितीयक कुंडली कहा जाता है, ठीक है, हाँ सुनाइए बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब देखो प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली को धारा मापी से, धारा मापी से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, ओके, और द्वितीयक कुंडली को, और द्वितीयक कुंडली को कुंजी एवं, है ना, बैटरी स्रोत, ठीक है, बैटरी स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, ओके। अब देखो जैसे ही द्वितीय कुंडली में कुंजी को बंद किया जाता है, तब, ठीक है, तब द्वितीय कुंडली में धारा शून्य से अधिकतम तक पहुंचती है, शून्य से अधिकतम तक पहुंचती है, ठीक है, पहुंचती है बच्चों, ओके। इस धारा प्रवाह के कारण द्वितीयक कुंडली के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। इस चुंबकीय क्षेत्र से प्राथमिक कुंडली से संबंधित, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में, ठीक है, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, बोलो हाँ है ना, ठीक है, क्या हो जाता है, रेखाओं की संख्या में क्या हो जाता है बच्चों, ठीक है, ठीक है, रेखाओं की संख्या में क्या हो जाता है भाई, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन होता है,
ठीक है, इस कारण, इस कारण, ठीक है, इस कारण द्वितीयक, इस कारण द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण और इसके कारण और इसके कारण और इसके कारण, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, धारा प्रेरित हो जाती है, जो कि ठीक है, धारा मापी, जो कि धारा मापी के विक्षेप, विक्षेप से ज्ञात होता है, विक्षेप से ज्ञात होता है, ठीक है ना बच्चों, धारा मापी के विक्षेप से ज्ञात हो जाता है, ये बात हमें, बोलो कोई दिक्कत, ये सारी कहानी है, ठीक है कहानी है, ठीक है भाई समझ रहे कहानी है, लेकिन इस कहानी को भी समझा दूंगा मैं फिगर की सहायता से, अभी देख लो आप, देख लो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो फटाफट ले लो, और बाद में लिख लेंगे इसको हम लोग, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत, नीचे स्पेस बच रही है, मैं लिख दूं एक दो लाइन, बिल्कुल अभी तो बहुत सारा लिख सकते हैं, देखो देखो भाई और क्या लिख सकते हैं, धारा मापी से विक्षेप, धारा मापी जो कि धारा मापी की विक्षेप से ज्ञात होता है, जो धारा मापी की विक्षेप से ज्ञात होता है, बोलो हाँ ना, बिल्कुल, अब देखो, अब देखो, जैसे ही ठीक है, द्वितीयक, जैसे ही द्वितीयक कुंडली, जैसे ही द्वितीयक कुंडली में धारा, ठीक है, धारा नियत हो जाती है, नियत हो जाती है, नियत हो जाती है द्वितीयक, द्वितीयक ओहो प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा शून्य हो जाती है, प्रेरित धारा कितना होता है, प्रेरित धारा शून्य हो जाता है, प्रेरित धारा शून्य हो जाता है, प्रेरित धारा कितना होता है बच्चों, शून्य हो जाता है, ठीक है ना, प्रेरित धारा कितना होता है, शून्य, ठीक है, इसके पश्चात, इसके पश्चात, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में, इसके पश्चात द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में, ठीक है, कुंजी, कुंजी हटाने पर, कुंजी हटाने पर, ठीक है, फिर से, फिर से, ठीक है, प्राथमिक, फिर से प्राथमिक कुंडली, फिर से प्राथमिक कुंडली से संबंधित, प्राथमिक कुंडली से संबंधित, ठीक है ना, संबंधित, ठीक है, संबंधित, क्या जगह बच रहा है भाई, संबंधित, बिल्कुल संबंधित, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की संख्या में, क्षेत्र के रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, क्या आता है, परिवर्तन आता है, ठीक है, परिवर्तन आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है, ठीक है, जिससे, 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 ठीक है, परिपथ में, जिससे परिपथ में पुनः, पुनः धारा प्रेरित हो जाती है, पुनः धारा प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, समझ आई क्या बात, नहीं आई, अभी समझाता हूं, ठीक है, अभी समझाता हूं, लेकिन इस बार
लेकिन इस बार विक्षेप, लेकिन इस बार विक्षेप, इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं ठीक है ना, लेकिन इस बार विक्षेप, विक्षेप ठीक है, लेकिन इस बार धारा मापी में विक्षेप, लेकिन इस बार धारा मापी में, धारा मापी में विक्षेप ठीक है ना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। चलो 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 भाई, चलो चलो चलेगा। चलो अभी देखो मैं सब समझाता हूं तुमको, पहले यह स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ले लो फटाफट ले लो, फिर एक मस्त सा फिगर बनाएंगे एकदम मसाला डाल के, और फिर हम लोग समझ लेंगे इसको, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिए तुम, अब हम एक फिगर बनाते हैं और फिर उससे हम लोग इसको फटाफट समझ लेंगे ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ नन्हे मुन्ने बालक, आ जाओ, कुंजी बैटरी माइनस प्लस, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल। धारा यहां से निकलेंगी, यहां से होते हुए इधर को आएगी, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर भाई, ये तुम्हारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये भी शून्य था इसमें, एक दो तीन, एक दो तीन इस तरह से ठीक है ना, यहां पर बीच में क्या भाई तुम्हारा शून्य है, इसमें क्या है भाई शून्य है, बोलो है ना, चित्र नंबर दो इस टॉपिक के लिए, बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, जैसे ही तुम इसमें धारा प्रवाह करोगे करोगे तो यह एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा, बोला था भाई परिनालिका एक चुंबक की तरह काम करता है, ऐसा तुम क्यों यहां पे कुंडली को मोड़ रखे हो परिनालिका के रूप में, तो यहां से इसका ध्रुव बनेगा भाई, धारा नीचे जा रहा है, दैट मींस इधर से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, निकला निकला भाई चुंबकीय रेखाएं निकलेगा भाई, इस धारावाही भाई इस धारावाही चालक के कारण, बोलो भाई इस धारावाही चालक के कारण यहां पर, इसके कारण इस कुंडली के कारण यहां पर चुंबक विरूपण होगा या नहीं होगा, होगा भाई, पहले इसमें चुंबक क्षेत्र कितने थे, पहले कितना था, ये कुंजी लगाने से पहले इसमें भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या कितनी थी, क्षेत्र रेखा की संख्या कितनी है भाई, जीरो, कहां पर, प्रारंभ में, प्रारंभ में चुंबक से रेखाएं की संख्या कितनी है, जीरो। अब यहां से ये निकला, अब देखो ये चुंबक से रेखाएं यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है, बोलो आया ना भाई, देख लो कितने आ चुके हैं, आ गए, तो अब तीन रेखाएं आ गई, आ गई, तो ये फटाक से गैल्वेनोमीटर विक्षेपित हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, फटाक से विक्षेपित हो जाएगा इस दिशा में, इधर के विक्षेपित हो गया, हो गया, हो गया भाई, चलो हो गया। अब तुम कुंजी को लगाए रखे हो, इसमें धारा प्रवाह हो रहा है ठीक है, इसमें आई धारा, इसमें आई वन धारा भाई, इसमें एक आई टू धारा प्रेरित हो गया, बोलो है ना, आई टू। अब भाई जब तुम कुछ देर तक इसमें धारा प्रवाह करते रहे तो अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन नहीं आ रहा है, बोलो है ना। अब देखो भाई, देखना कुछ देर पश्चात, कुछ देर पश्चात ठीक है,
कुछ देर पश्चात इस कुंडली से संबंधित ठीक है क्षेत्र रेखा की संख्या कितना है, जल्दी से बताओ भाई। मान लो दो है, तीन है, एक दो तीन भाई, कितने हैं, मान लो तीन है, ठीक है ना, ये तीन है, कोई दिक्कत, ये तीन रेखाएं हैं, ठीक है, ये तीन रेखाएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो बराबर में कितना है, तीन, सही है, चलो ओके। अब देखो, अब जल्दी से मुझे बताओ, कुछ समय पश्चात भाई, कुछ देर बाद और, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो भाई, कुछ और समय पश्चात ठीक है, क्षेत्र रेखा की संख्या कितनी है, कुछ समय पश्चात जैसे क्षेत्र रेखा की संख्या कितनी है, क्षेत्र रेखा की संख्या बोलो कितना रहेगा, तीन ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो भाई हम तुमको इससे पहले क्या कहे थे कि विद्युत वाहक बल प्रेरित तब होता है जब समय के साथ फाय में परिवर्तन होता है, फाय का मतलब चुंबक के क्षेत्र रेखा की संख्या में परिवर्तन होगा, तभी तुम्हारा ये विद्युत वाहक बल मतलब कह दो विभांतर प्रेरित होगा और तभी धारा प्रेरित होगा, बोलो हाँ या ना। भाई पहले क्षेत्र रेखा की संख्या यहां जीरो थी, कुछ देर में तीन हो गई, तो परिवर्तन हुआ समय के साथ, तो इसमें विद्युत वाहक बल भी प्रेरित हुआ और धारा भी प्रेरित हुआ। अब कुछ देर और बीते तो समय तो बीत गया लेकिन क्षेत्र रेखा की संख्या में परिवर्तन नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहां भी तीन यहां भी तीन, तो अब इसमें विक्षेप कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस समय पर भाई, इस समय पर तुम्हारा जो है विक्षेप जो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ आई क्या बात, हाँ बिल्कुल अरे हाँ वही वाली बात, हाँ बिल्कुल सर जीरो रहेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये समय सर समय बदल गया, ठीक है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, नहीं ना बात हाँ बिल्कुल। अब तुमने क्या क्या बच्चों, इसका कुंजी हटा दिया तो अब इसका आयवन धारा में कमी आने लगा, धारा में कमी आया तो चुंबक से रेखाओं में भी कमी आई, बोलो। तो पहले तीन था, अब इसमें दो हो गया, कुछ देर बाद अब एक हो गया, कुछ देर के बाद जीरो हो गया, बोलो हाँ या ना। तो इसमें बच्चों चुंबक से रेखाएं की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, बोलो घट रही है, तो इससे संबंधित चुंबक से रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, चाहे घटे चाहे बटे, परिवर्तन होना चाहिए। डी का मतलब होता है परिवर्तन, डी का मतलब बढ़ना नहीं होता है, नहीं घटना होता है, डी का मतलब परिवर्तन होना चाहिए, चाहे बढ़ने का चाहे घटने का, समझ गए हाँ। तो भाई इससे संबंधित चुंबकीय रेखा की संख्या में अब कमी आने लगी है, कमी आने लगी, तो जैसे ही इसमें कमी आने लगी मतलब इससे संबंधित बस चुंबकीय रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होना चाहिए, हो गया, तो अब इसमें फिर से धारा प्रेरित होगा। सुनाई क्या बात, ये देखो भाई मैं लिख भी देता हूं इस बात को, चलो मैं लिख देता हूं, अभी बिल्कुल लिखना सख्त मना है भाई, बिल्कुल लिखना तुम्हारा क्या है, सख्त मना है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो तुम इसको यहां लिखना पहले पॉइंट्स में, ठीक है, फिर इसको तुम यहां लिखना दूसरे पॉइंट्स में, ठीक है, फिर तुम इसको यहां लिखना तीसरे पॉइंट्स में, ठीक है, सुनाई बिल्कुल, और फिर तुम चौथे पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, कुछ और समय पश्चात, ठीक है, कुंजी हटाते हैं, ठीक है, तब ठीक है, क्षेत्र रेखा की संख्या, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्राथमिक कुंडली, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राथमिक कुंडली का मतलब पहला वाला कुंडली, किसी एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कह दो, और ये वाला कौन सा कुंडली, द्वितीयक कुंडली, ठीक है ना, हमने ऐसा नाम दे दिया, ठीक है ना, और नाम दे दिया इसको, क्या कह दिया हम लोग, द्वितीयक कुंडली, समझ आया क्या बात, हाँ
ठीक है ना। बिल्कुल, ये तो मत लिखना, ये तो तुम पहले लिख चुके हो, तो ये मत लिखना, है ना, ये मत लिखना भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, ये बचाओ जो पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट थोड़ा नीचे लिखना, स्पीकर के नीचे लिख लेना, और इसको तीसरा पॉइंट, बोलो है ना, बिल्कुल, और चौथा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इस तीनों पॉइंट को नीचे लिख लेना, है ना, चौथा मैं लिख रहा हूं। कुछ और समय पश्चात कुंजली हटाते हैं तब चित्र रेखा की संख्या परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, बोलो है ना, परिवर्तित होती है, बोलो, इसलिए इसलिए इसलिए, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में, इसलिए प्राथमिक कुंडली में, इसलिए प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, धारा प्रेरित होता है, क्या प्रेरित होता है, धारा प्रेरित होता है, ठीक है, धारा प्रेरित होता है भाई, धारा प्रेरित होगा ही किससे, जैसे ही फाइ में परिवर्तन होगा, चुंबक से रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, समझ आई क्या बात, हाँ, लेकिन इस बार दिशा विपरीत दिशा में होगा, क्यों होगा भाई विपरीत दिशा में, क्योंकि अब धारा इसमें घट रही है, या फिर चुंबक से रेखाएं की संख्या घट रही है, बोलो मैं ना, तो जैसे ही बच्चों इसमें घटेगा ना, तो धारा की दिशा पलट जाएगी, ये लेंज का नियम ने कहा था, लेंज का नियम, ट्वेल्थ में चल के पढ़ोगे, ठीक है ना, हाँ, लेंज के नियम से धारा का दिशा इसमें प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, ट्वेल्थ में, ओके बिल्कुल, या फिर कोई भाई बहन है ट्वेल्थ में पढ़ लिया है उसने, तो तुम बिल्कुल क्या कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या था लेंज का नियम, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत यहां समझ में आई क्या बात, आ गई, चलो आ गई क्या, तो चलो भाई यहां से तुम जो है तीन पॉइंट्स चार पॉइंट्स फटाफट लिख लिए, बोलो अब तो समझ में आ गई ना, अब तो समझ में आ गई ना भाई, बोलो अब तो समझ में आ गई ना तुमको, अब तो समझ में आ गई ना, हाँ चलो अब आ जाओ, मिटा दो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सब सब कुछ लिख लो, छोड़ना मत किसी चीज को, ठीक है ना बच्चों, छोड़ना मत किसी चीज को, है ना, छोड़ना मत वो दिक्कत, चलो मिटा दिया जाए, चलो भाई चलो, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दो स्थितियों से देखें, एक तो एक कुंडली लिया, एक चुंबक लिया, उसकी सहायता से तुमने धारा को प्रेरित किया, एक तुमने दोनों कुंडलियों को कर दिया भाई, चुंबक के स्थान पर तुमने अब क्या ले लिया, इस बार कुंडली ही ले लिया, और उसमें तुमने भाई बैटरी लगा दिया, ठीक है ना, और द्वितीय वाले को तुमने धारा मापी से अभी भी जोड़ रखा था, ठीक है ना, तो तुम दो प्रयोग किए और उसके आधार पर तुमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ा, पहले वाले में भी धारा प्रेरित हो रहा था, दूसरे वाले में भी धारा प्रेरित हो रहा था, मतलब कहे तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत प्रेरित हो रहे थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझ आई क्या बात, हाँ चलो, अब बच्चों यहां पर एक नोट करके ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझना, समझना अभी तुम्हें समझाता हूं, देखो देखो बच्चों क्या, कि यदि यदि किसी, ठीक है, यदि किसी कुंडली, यदि किसी कुंडली से संबंधित संबंधित, ठीक है, संबंधित धारा, ओहो संबंधित चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, ठीक है बच्चों, चुंबक से रेखा का परिवर्तन का मतलब यह है कि चुंबक की क्षेत्र में परिवर्तन होना, ठीक है ना, तो चुंबक से रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, तब तब विद्युत वाहक बल प्रेरित होते हैं, तब विद्युत वाहक, ठीक है, प्रेरित होते हैं, प्रेरित होते हैं, ठीक है ना बच्चों, वास्तव में, तब वास्तव में, ठीक है ना, तब वास्तव में, ठीक है बच्चों, तब वास्तव में, वास्तविक रूप में विद्युत वाहक बल प्रेरित होते हैं, धारा पहले प्रेरित नहीं होता है,
ये वास्तव में विद्युत वाहक बल प्रेरित होते हैं, ठीक है, और उसके पश्चात ठीक है ना, और उसके पश्चात यदि परिपथ बंद है, तब प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, ठीक है, अन्यथा विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के पश्चात भी, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के पश्चात भी, ठीक है, कुंडली में धारा प्रेरित नहीं होती है, समझना बच्चों, अगर तुम्हारे पास भाई फाई में तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, अर्थात क्या होता समझना, अगर तुम्हारे फाई में परिवर्तन हो रहा है तो तुम्हारे जीटा बच्चों विभांतरी है ये, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेरित होगा परिपथ में, प्रेरित हो जाते हैं, ठीक है। और फिर कंडीशन आता है कि परिपथ अगर बंद है तब आई जो है तुम्हारा वो क्या होता है, प्रेरित होता है, ठीक है ना, वरना अन्यथा बच्चों क्या होगा कि तुम्हारा फाई तो, ठीक है ना, फाई तो तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है, बोलो हाँ या ना, परिपथ में जीटा भी बच्चों कुंडली में प्रेरित हो रहे हैं, ये तो प्रेरित होगा कुंडली में, विभांतर तो कुंडली में प्रेरित तो होगा, ये बच्चों ये तो उत्पन्न हो जाएगा दो तारों के बीच में, लेकिन आपका परिपथ अगर खुला हुआ है, तो आपका आई जो है वो बराबर में जीरो प्रेरित होता है, ठीक है, प्रेरित तो बराबर जीरो होगा, समझ आई क्या बात, या दोनों बातों को भी लिख लो तुम भाई, कितना मजा मजा वाला बात तुमको बता रहा हूं, धरती पर तुमको इतना सारा बात जो है ना इकट्ठा वो तुमको मिलना जो है कठिन है, एक साथ इकट्ठा इतनी सारी बातें, ठीक है ना, मिल रहा है दैट मीन्स आप सौभाग्यशाली हैं, और अगर मिल रहा है तो हम सौभाग्यशाली हैं कि मुझे कहीं से प्राप्त हुआ है और आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, मैंने इकट्ठा किया है, ओके। तो भाई ये सब इकट्ठा करना थोड़ा सा बहुत ही कठिन काम, ऐसा नहीं कि भाई असंभव है या फिर कोई देता नहीं होगा, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, सॉरी आई एम सॉरी अगर मैंने कह दिया तो, बिल्कुल आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो भगवान के लिए, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाई थोड़ा सा कठिन है, जो लोग देते होंगे बड़ा कठिन से आता होगा, क्योंकि मुझे बड़ी कठिनाई हुई सबको इकट्ठा करने में, ठीक है, बड़ा कष्ट हुआ याद रखने में सबको, ठीक है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, समझ आई क्या बात, आई क्या बच्चो, आ गई क्या। एक बात और बता दू क्या, मैं तुमको बता दू हाँ बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कुंडली में प्रेरित हो जाती है विद्युत वाहक बल, और अगर आपका कुंडली खुला हुआ है तो बच्चों कहा जाता है कि वह प्रतिरोध जो है ना आपका खुला हुआ परिपथ, वह प्रतिरोध जो है बच्चों वह अनंत प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। अगर आपका परिपथ खुला हुआ है तो कुंडली अनंत प्रतिरोध वाला कुंडली, ठीक है, कुंडली की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, यह बात भी आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, तभी तो आपको पता है आई बराबर में क्या होता है भाई, भी बराबर क्या होता है आई गुना में आर, तो भाई तुम्हारा आई बराबर में क्या होता है भी बटा में आर, बोलो,
तो अगर धारा यहां प्रेरित नहीं हो रहा है, विभांतर प्रेरित हो चुका है भाई, जीटा प्रेरित हो चुका है, लेकिन धारा जीरो आ रहा है, इसका मतलब सर, भी तो है लेकिन आर का वैल्यू लगता है अनंत है, इसीलिए अनंत से किसी को भी भाग करते तो कितना वैल्यू आता है, जीरो। बोलो आया ना, देखो कितना मजेदार मैंने तुमको समझा दिया। बोलो महाकाल की, ठीक है? डर गए? अरे डरो मत, अरे बिल्ली हो क्या तुम, डरो मत, ठीक है? हो गया, बोलो हो गई। चलो मिटा देते हैं इसको भाई, एक बात छूट रही है इसलिए जाना नहीं है अभी, ठीक है? क्या मैं इसको मिटा दूं? मिटा दूं भाई, चलो मैं मिटा देता हूं इसको, चलो मिटा देता हूं। तुम मुझसे दूर जाना नहीं, तू मेरा हमदम है, तू मेरा हम सफर है, तू मेरा हमदम है, तू मेरा हम सफर है, तू मुझसे दूर जाना नहीं क्योंकि तू हमारा हम सफर है। अरे गाना गा रहे हैं क्लास में, गाना गा रहे तुम लोग, गाने गाएगा ठीक है ना? चलो आ जाओ। क्या सर कितने बेसुरे गाते हो और डांटते हो मेरे को? हाँ अरे मैं गाना नहीं गा रहा था, ये तो मैं मिटा रहा था भाई। चलो देखो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लेमिंग के कौन से वाले हाथ का नियम? दाएं वाले हाथ का नियम। भाई साहब ये इतने दाएं बाएं हाथ का नियम दिए थे कि हमको लगता है कि उनका आधा हाथ, मतलब आधा क्या, दोनों का दोनों हाथ तो नियम में ही चला गया होगा, खाते किससे होंगे मेरे को पता नहीं चलता है वो, है ना? देखो भाई, देखो देखो क्या क्या, देखो देखो बच्चों, देखो देखो फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के ठीक है, दक्षिण हस्त, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त ठीक है नियम से, दक्षिण हस्त नियम से ठीक है प्रेरित, प्रेरित प्रेरित धारा, प्रेरित धारा की दिशा ठीक है ज्ञात कर सकते हैं, धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं ठीक है, कर सकते हैं ठीक है ना बच्चों, ज्ञात कर सकते हैं हम लोग प्रेरित धारा की दिशा, क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? वो देखो, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार ठीक है ना, क्या किया गया वो देखो, इस नियमानुसार देखो क्या हुआ ठीक है, इस नियमानुसार दाएं हाथ, दाएं हाथ ठीक है के ठीक है अंगूठा, अंगूठा कौमा तर्जनी ठीक है एवं, तर्जनी एवं ठीक है मध्यमा, मध्यमा ठीक है अंगुलियों, अंगुलियों को इस प्रकार, इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि, इस प्रकार फैलाएं कि यदि, यदि ठीक है तर्जनी, यदि तर्जनी उंगली, यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक है कौमा मध्यमा उंगली, मध्यमा ठीक है ना बच्चों, मध्यमा है ना, मध्यमा से पहले हम लोग अंगूठा की बात कर लेते हैं, अंगूठा ठीक है, अंगूठा ठीक है, अंगूठा ठीक है, अंगूठा कुंडली, अंगूठा कुंडली ठीक है ना, अंगूठा कुंडली की, अंगूठा कुंडली की ठीक है, कुंडली की या चालक की ठीक है, कुंडली की या चालक की
गति गति की दिशा, गति की दिशा को, गति की दिशा को व्यक्त करे, व्यक्त करे तब, ठीक है, तब तब ठीक है, फैला हुआ, तब फैला हुआ अंगूठा, तब फैला हुआ अंगूठा, ठीक है ना, ठीक है। तर्जनी मतलब इस नियम अनुसार दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली, उंगलियों को परस्पर, को परस्पर, को परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत इस प्रकार, इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं एक अंगूठा कुंडली या चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे तब फैला हुआ, फैला हुआ, ठीक है, तब फैला हुआ मध्यमा, फैला हुआ मध्यमा उंगली, उंगली ठीक है, कुंडली या चालक में, कुंडली या चालक में, ठीक है, कुंडली या चालक में, चालक में प्रेरित, चालक में प्रेरित विद्युत, विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है, धारा की दिशा को इंगित करता है, ठीक है, इंगित करता है। समझ आई क्या बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये कहानी आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल। तुम हाथ बना लेना दायां हाथ, ठीक है ना, दायां हाथ बिल्कुल, और फिगर जो है ना आप बना लीजिएगा, और इसमें ये कौन सा उंगली होता है भाई, ये तुम्हारा कौन सा है तर्जनी वाला, ये तुम्हारा मध्यमा वाला, और ये तुम्हारा अंगूठा, इस तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत चला जाए, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी आपका नहीं होना चाहिए। अब मान लो कि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा क्रॉसित है, क्या है, क्रॉसित है, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा कैसा बच्चों, क्रॉसित, क्रॉसित का मतलब क्या है, क्रॉसित का मतलब क्या है कि यह अंदर की ओर है, कैसा है, अंदर की ओर, ठीक है ना, अंदर की ओर, ठीक है, हाँ। और इसमें मान लो भाई तुम्हारा कोई चालक है, ठीक है, उसको तुम किधर गति करा रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई कुंडली है उसको तुम किधर गति करवा रहे हो भाई, आगे की ओर, इसको किधर गति करवा रहे हो, आगे की ओर, ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारा किधर है भाई, अंदर की ओर, बोलो हाँ या ना। और तुम्हारा बच्चों ये चालक, ये जो कुंडली है तुम्हारा, ये जो कुंडली बनाया है तुमने, वो तुम्हारा किधर गति कर रहा है, आगे की ओर, तो इसमें प्रेरित धारा किधर की ओर होगा, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर गया, ठीक है बच्चों ध्यान देना, ओहो हो इधर दिखा दे मैंने, ये देखो ये भाई तुम्हारा किसको व्यक्त करेगा, चालक की गति को, ये तुम्हारा किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को, एफ बी आई, तुमने पहले याद किया था ना, फर्स्ट बाबा आए, है ना, तो भाई एफ का मतलब यहां पर जिधर बल आएगा चालक उधर ही गति करेगा, ऐसे भी याद सकते हो, तो ये हो गई चालक की गति अंगूठा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये प्रेरित धारा, तो भाई इसको किधर करना है, चालक की गति की दिशा में, चालक गति किधर कर रहा है, आगे की ओर, बोलो, तो फिर तुम्हारा ये उंगली करना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र में जो कि अंदर की ओर है, ये देखो ये भाई तुम्हारे भी किधर गति कर रहे हैं, एक्स दिशा में, तो तुमने अंगूठा एफ, एफ का मतलब फोर्स, इधर फोर्स लाएगा उधर ही चालक की गति होती होगी, तो चालक जरा आगे की ओर, तो तुम अंगूठा को एक्स दिशा में करो, एफ बी, बी का मतलब है भाई तर्जनी उंगली किधर, चुंबकीय क्षेत्र में किधर जा रहा है, अंदर, तो कर दिया। अब देखो तुम्हारा ये जो मध्यमा उंगली वो किधर की ओर है, ऊपर की ओर, तो दैट मीन्स इसमें धारा प्रेरित किधर होगा भाई, ऊपर की ओर, किधर होगा, ऊपर की ओर, नहीं समझे, किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, किधर होगा, ऊपर की ओर, समझ आया क्या बात, आया क्या, हाँ, तो ऊपर की ओर, ठीक है ना भाई, ऊपर की ओर, ठीक है बच्चों, किधर होगा आपका, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, ओके, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है ना भाई, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखो यहां पर किधर जाएगा भाई, यहां भी तो ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर नहीं रह सकता है, बोलो है ना, हमने कहा भाई अगर यहां के लिए तुमने ज्ञात किया तो यहां से ऊपर जाएगा और फिर यहां पर इसको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां इसको नीचे जाना पड़ेगा, बोलो है ना, तुमने यहां पर बात किया है तो यहां पे तुम्हारा ऊपर जाएगा और यहां पे तुम्हारा नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, तो गर्भ में इस तरह से विक्षेप हो जाएगा, ठीक है, अगर इधर जाना है तो इधर चला जाएगा, इधर जाना है तो इधर चला जाएगा,
बच्चों इस नियम का जो अक्सर प्रयोग किया जाता है ना वो एक सीधे चालक के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या आता है, सीधे चालक के लिए, ठीक है ना। एक चालक सीधा चालक है तो इसमें धारा क्या जाता है ऊपर, ठीक है ना। तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई चालक है इस तरीके से, इस तरीके से भाई, इस तरीके से, और ये गति कर रहा है इधर की ओर, ठीक है ना, और ये चालक है, इसमें बैटरी जोड़ रखा है, ठीक है ना, या फिर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, चुंबक स्थल अंदर की ओर है, ठीक है ना, चुंबक स्थल किधर की ओर है, अंदर की ओर है, समझ आया क्या बात, हाँ अंदर की ओर है, ठीक है ना, अंदर की ओर है भाई, ठीक है, किधर की ओर है, अंदर की ओर है या नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। और तुम्हारा चालक आगे की ओर गति कर रहा है तो इसमें धारा किधर प्रेरित होगा, ऊपर की ओर, समझ में आई क्या बात, हाँ। तो ये सीधे चालक के लिए अक्सर बात की जाती है इसमें, ठीक है ना, हाँ। ये तीन तीसरा फिगर होगा ये, आई थिंक लगता है ना तीसरा फिगर, ठीक है ना, इसके लिए ना तीसरा मतलब क्या, चौथा, तीन चार फिगर इस टॉपिक में हो गए ना, इसको तीसरा फिगर कह देना, इसको चौथा फिगर कह देना, ठीक है ना। तो मैं क्या बच्चों, तो बिल्कुल, तो अब आपको मैंने ये सारे के सारे चीज बता चुके हैं, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ऑल अबाउट आपका टॉपिक था, ये पूरा का पूरा ये चैप्टर था, ठीक है ना। अभी दो टॉपिक और बच रहे हैं आपके, विद्युत जनित्र और विद्युत घरेलू परिपथ, ये दो टॉपिक है ना। चलो तो ये भी दो वीडियो हम लोग लेके आते हैं, तब तक के लिए बाबा खैर करो, अपना ध्यान रखो, पूरे लोगों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो, खुश रहो, जो करो व्हाट एवर यू वांट टू डू तुम खूब करो, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।